सो हे गाइज, व्हाट्सअप, इट्स योर होस्ट टेक्निकल डॉक्स। आज के बात करेंगे होंडा ADV 350 के बारे में। इंडिया में कब तक आएगी, क्या प्राइसिंग होगी, माइलेज, टॉप स्पीड, कलर वेरियंट्स तो आपने देख ही लिए। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको आगे सारी चीजें बताता हूँ। Deep down, I know I'm a fighter. Deep down, I know my desires. Everybody thinks that I'm just a liar. They don't know what I got inside ya. I'm the one to fight fire with fire. I'm the type who never lets me get tired. Mess with me and they never will find ya. Yeah, people tell me I won't get it. They don't know me cause I'm cold winning. Always in the ninth, I close innings. Always in my mind, don't know quitting. I'ma be the one that blows up in it. You gon' be the one that shows up missing. I'ma be the one that knows my mission. You gon' be the one with no ambition. I'ma make you take it, take it, take it all back. You ain't never gonna get me, man, I'm too fast. Call me the juice, that 40-yard dash. Always look forward, no, never look back. I just spit the truth, better listen to my facts. Get me up in the booth and I put them on a vest. When I spit the truth, they all listen to the vest. Got nothing to lose, so I put them in the bed. That's what I do, hard work always lasts. And the pain's not an act, no, it hurts real bad. But you have to attack what you want to attract. Or you're gonna look back and regret what you lack. Everybody knows that's a fact, yeah. I just want my words to impact, yeah. I just want my words to all last, yeah. Not sorry if I put you on blast. They know just what they see on the outside. ऑल राइट गाइस, तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इंजन डिपार्टमेंट से। इसमें आपको चार स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिलेगा जो कि चार वॉल्व के साथ होगा, पूरी तरह से लिक्विड कूल्ड इंजन होगा। इसके में आएगी आपको PGMFI यानी कि प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल वाला सिस्टम। इसी के साथ साथ जो मैक्सिमम पावर है इंजन की 21.5 किलोवाट की है, 28.8 हॉर्स पावर जो कि 7,500 RPM पे आता है। और मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो 31.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क है 5,250 RPM पे। होंडा ADV 330 हॉर्स पावर के इंजन के साथ आती है, ये चीज़ ध्यान रखना आपको, मैंने इसलिए टाइम लेके बताया। वी में बेल ड्राइव आपको देखने को मिल जाएगी, स्टील अंडर बोन फ्रेम देखने को मिलेगा, आगे पीछे दोनों साइड अलॉय व्हील्स, साथ ही साथ आगे डिस्क ब्रेक्स, पीछे भी डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। और टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन आगे होगा, पीछे डुअल स्प्रिंग हाइड्रोलिक सस्पेंशन होगा। ABS के साथ आने वाली है डुअल चैनल, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ओके, अब इसी के साथ साथ जब बात करें इसकी बाकी चीज़ों की, जैसे ब्रेक्स कौन से होने वाले हैं, तो 256 mm के डिस्क ब्रेक्स होंगे और पीछे 240 mm के डिस्क ब्रेक्स। ओके, अब टायर साइज़ की बात करें तो 120x70 का फ्रंट में टायर और रियर टायर 140x70 का मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसी के साथ साथ गाइस बात कर ले इसके व्हील बेस की, तो 1520 mm का इसका व्हील बेस है और 795 mm की इसकी सीट हाइट है। लंबाई की बात करें तो 2200 mm की लंबाई है, 895 mm की चौड़ाई है और 1430 mm की इसकी हाइट है। ग्राउंड क्लियरेंस 145 mm की मिल जाएगी। एग्जॉस्ट का डिज़ाइन कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। 186 kg इसका वेट है और 11.7 L की इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी आपको। ओके, अब गाइस बात करें इसकी माइलेज की, तो यार 350cc का इंजन है, मतलब 330cc का ऑल दो, तो इसकी माइलेज आपको 30 km/L की मिलेगी। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मैक्सी स्कूटर है तो ये काफ़ी अच्छी माइलेज हो जाती है इसके हिसाब से भी। ओके, एंड गाइस बात करें इसकी बाकी चीज़ों की, जैसे टॉप स्पीड हो गई तो 150 km/h की इसकी टॉप स्पीड है जो कि काफ़ी सही है, मतलब 155 km/h होंडा क्लेम करता है। सीट की अपहोल्स्ट्री और जो भी डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा है, अंडर सीट स्टोरेज काफ़ी अच्छी तरह से मिल जाता है, फुल साइज तो नहीं मतलब हाफ साइज हेलमेट रख सकते हो, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल है पूरी तरीके से। एंड इसी के साथ साथ प्राइसिंग भी डिस्कस कर लेते हैं ना, प्राइसिंग क्या है। तो इसकी प्राइसिंग जो है वो 2.5 लाख से लेके 3 लाख रुपए के बीच होने वाली है एक्स शोरूम। अब ये वेरिएंट पर डिपेंड करता है, और यहाँ पे देख सकते हो होंडा की स्मार्ट की वगैरह फ्यूल फिलिंग के लिए सारी चीज़ें मिल जाती है, स्विचेस बटन्स की पोजीशंस देख सकते हो, और आपके ऑन रोड जो स्टेट में पड़ेगा वो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करेगा, कहीं पे काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, कहीं पे काफ़ी कम होगी। मैक्सी स्कूटर को लेके क्या ओपिनियन है बता सकते हो। इसी के साथ साथ लॉन्च डेट जो है वो 2025 में होगी, अब देखते हैं एग्जैक्टली कब होती है, ठीक है। आज की आपको पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जोर दबा लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट में बता सकते हो, कोई भी सजेशन फीडबैक हो तो वो भी दे सकते हो, इन चारों में से कोई भी वीडियो क्लिक करके देख सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना, और बाय गाइज।